चलिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट ए यानी पार्ट वन के बारे में। और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, यूजीसी नेट का पेपर हुआ था 14 मार्च को, 14 मार्च 2023 को। उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। और आगामी परीक्षा आपका यूजीसी नेट का 18 जून को है, डीएसएसबी का है, एमपी सेट सोशल वर्क का है, एमपीपीएससी भी सोशल वर्क और सोशोलॉजी पर बेस्ड है। तो उनमें आप लोगों को जो है यहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपके सामने 14 मार्च 2023 सोशल वर्क का पहला ये प्रश्न है कि भारतीय समाज कार्य सम्मेलन कांग्रेस प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, ठीक है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी पहल है ये, कौन करता है भारतीय समाज कार्य सम्मेलन कांग्रेस प्रत्येक वर्ष आयोजित? प्लीज इधर। जनता चलो बताइए, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ऑप्शन सर सेकंड। सेकंड सही जवाब। भारत में अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय एसोसिएशन, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया की बात होती है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 2015 में इसकी स्थापना, 2015 का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात अगर आती है तो सन 1985 का वर्ष आप सभी लोग लगाएंगे, और मई 1998 में इसका नाम बदला है, ये बात आप सबको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये जो भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय एसोसिएशन है ना, ये ज्वाइन किया था कब, IFSW को, तो इस प्रक्रिया में आप 2015 का नाम यहां पर अवश्य ध्यान में रखेंगे। और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर IPE वर्गीज का नाम इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी पूछ सकता है या पूछा भी आ सकता है, आता है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान आप ऑप्शन थर्ड में देख रहे हैं, जो बेसिकली टिस यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को रिलेट करता है, जिसकी स्थापना 1936 में दोराबजी ने किया था, ठीक है? और एक व्यावसायिक समाज कार्य के रूप में। केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की, तो जिसकी स्थापना सन 1953 में हुई थी, 1953 में हुआ था, ठीक है? आप सबको इन चीजों को लेकर ध्यान में रखना होगा, थोड़े से इंपॉर्टेंट जो है ये सम्मेलन है, या एक प्रकार से कह सकते हैं व्यावसायिक संघ है। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, इंग्लैंड में विलियम बेवरिज ने बेवरिज रिपोर्ट के रूप में जाने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसका नाम बता सकते हैं क्या है? सेकंड सोशल बिल्कुल, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज है इसका नाम। आधिकारिक तौर पर नवंबर 1942 में ये जो है एक सरकारी रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ था, ये सही जवाब है। और बेवरिज रिपोर्ट आया नवंबर ही 1942 में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक यंगस्ट बैंड रिपोर्ट था, मैंने आपको लास्ट में बताया था, 1968, जो व्यक्तिगत समाज कार्य को रिलेट कराता है। सिबोम एक रिपोर्ट था, मैंने आपको बताया है, 1959 में, जो समुदाय के बेस बनाकर बेसिकली इस रिपोर्ट की बात होती है। हालांकि एक लेन कमेटी भी है जो कम्युनिटी पर भी बेस्ड है, लेन कमेटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे तथ्य है आपके सामने। बट इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने थर्ड आ गया है, और इस समय आपसे सवाल कह रहा है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का प्रथम संस्करण किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? चार ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, और एक ऑप्शन आपके सामने दिया गया है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और योजना आयोग। योजना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे, थर्ड।
ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सन 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके दो विभाग हैं, एक स्कूली शिक्षा, दूसरा साक्षरता। भारत में प्रथम शिक्षा विभाग की स्थापना 1830 के दशक में हुआ था लॉर्ड थॉमस मैकाले के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं समाज कल्याण मंत्रालय की बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सेकंड पर, तो आप सभी लोगों को पता होगा इसकी स्थापना 14 जून 1964 को हुआ था। और योजना आयोग तो आप सबको भली भांति तरीके से पता भी है, आप जानते हैं, है ना। और ये बेसिकली अपनी भूमिका अगर हम बात करते हैं तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का प्रथम संस्करण के रूप में 1968 एंड 1978 के दौर में हुआ था, ठीक है। पब्लिश्ड अगर बात करते हैं, रिपब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया इन 1968 to 1978, ठीक है। ये सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर। योजना आयोग बेसिकली ये एक डेफिनेशन के रूप में ये प्रकाशन किया गया है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की बात आप सबको पता होगा, सन 1953 प्रथम अध्यक्ष के रूप में किस विद्वान का नाम आता है, बताइए। दुर्गाबाई देशमुख। किसका नाम आता है बताइए भाई? दुर्गाबाई देशमुख। हाँ, प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापना की गई थी या स्थापित किया गया था? वर्ष 1869 इंग्लैंड में, वर्ष 1877 इंग्लैंड में, 1869 शिकागो में, 1878 बफेलो में। सही जवाब 1869 इंग्लैंड में। सही जवाब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब है। पहले द सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, बेसिकली इसको आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, लंदन करके नोट करवाया है, तो इसका नाम था द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बेसिकली इसको कहा गया। एक फैमिली एक्शन के रूप में ये कार्य करती है, गरीबी को रोकना, धर्मार्थ का प्रयास करना, और इसकी भूमिका एक्टोविया हिल का एक अहम माना जाता है प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना में, एक्टोविया हिल का नाम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल कहता है कि जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचनात्मक विशेषता जो है जीएस घुरई के द्वारा निम्नांकित में से नहीं की गई है, मतलब जीएस घुरई महोदय ने कौन सी ऐसी विशेषता है जो नहीं बताया है, बाकी तीन विशेषताएं आपको इसके अंतर्गत मेंशन करेगा। प्लीज एक बार जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रॉपर अगर हम बात करते हैं उपयुक्त आवास के बारे में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो सेकंड है ये इसके बारे में जीएस घुरई ने जिक्र नहीं किया। भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता को लेकर बात किया था और उसी क्रियाओं में जाति व्यवस्था को लेकर इसने संरचनात्मक विशेषता को पूछ लिया। तो मैं आपको बता दूं, जाति जन्म से निर्धारित होती है, जाति समूह और अंतर्विवाही है, जाति सदस्यता में खाने और बेसिकली अगर हम बात करें नियम इत्यादि को शामिल करती है, समाज का एक खंडात्मक विभाजन के रूप में, नागरिक व धार्मिक जो है निर्योग्यता के रूप में, निश्चित व्यवसाय के रूप में, विवाह संबंधी प्रतिबंध को लेकर, व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर, खान पान में परिवर्तन को लेकर, विवाह संबंधों में परिवर्तन को लेकर, पद सोपान को लेकर, व्यवसाय के चयन के अभाव की प्रक्रिया को भी ये दर्शाता है। परंतु अगर मैं बात करता हूं रेखांकित नहीं किया है तो वो उपयुक्त आवास के बारे में जीएस घुरई ने नहीं किया है। यहां पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसकी एक किताब है जीएस घुरई की, बड़ी फेमस रही है, पेपर में आता रहता है हमेशा, 1932 में आई थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक, ठीक है। अगले सवाल, प्रतिमानों और मूल्यों का वह समुच्चय जो किसी समूह को बृहद समाज से अलग बनाता है इस रूप में जाना जाता है। प्रतिमान और मूल्यों का एक समुच्चय जो समूह के बृहद समाज से अलग बनाता है इसके रूप में हमें बताना है, उपसंस्कृति, है ना।
एक उपसंस्कृति, एक संस्कृति के भीतर ना लोगों के एक समूह को कहा जाता है जो स्वयं को उस मूल्य संस्कृति से अलग बताते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं, जो अक्सर उनके कुछ संस्थापक सिद्धांतों को बनाए रखता है। तो उस क्रिया में उपसंस्कृति का नाम आता है। एक ऑप्शन में आप देख रहे हैं बहुसंस्कृति। देखिए, बहुसंस्कृति कोई भी देश तभी बहुसंस्कृति कहलाता है जब वह अपने ध्यान सुनिएगा, जब वह बेसिकली अपने यहां उपस्थित लगभग सभी संस्कृतियों को समान महत्व देता है। तो एक से अधिक जाति समूह या संस्कृति से जो बनी है या उनमें जो शामिल है उस क्रिया को बहुसंस्कृति कहते हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि प्रतिमान और मूल्यों का एक समुच्चय है, प्रतिमान और मूल्यों का एक समुच्चय, एक कलेक्शन है, और वो एक समूह को बृहद समाज से अलग कर देता है, तो उस क्रिया में उसको उपसंस्कृति कहते हैं। कारण यह कि स्वयं को बेसिकली वो दर्शाता है ना, स्वयं को उस मूल संस्कृति से अलग बना देता है ना, जिससे संबंधित वो अक्सर उसके कुछ संस्थापक और सिद्धांतों को बनाए रखने में काम करता, तो वह क्रिया उपसंस्कृति कहलाती है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन सेकंड होगा। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों को केंद्रीय भूमिका अधिक मानी जाती है, तो उसको पितृसत्ता कहते हैं। और एक होता है व्यक्तित्व, आप सबको मालूम होगा पर्सनालिटी के बारे में, अपने मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। पर्सनालिटी का एक लैटिन शब्द से परसोना से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा बोला जाता है ना। तो व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार और दिमागी भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है, जिसे जिंदगी और पर्यावरण के कारक के रूप में बदलने में एक अहम भूमिका निभाता, तो उसको पर्सनालिटी कहा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन का एक अहम भूमिका पर्सनालिटी में मिलता है, यहाँ तक कार्ल जंग भी अपनी भूमिका व्यक्तित्व में ही निभाते हैं, परंतु इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रॉबर्ट मर्टन के बारे में, आप सबको पता है। इस सवाल का सही जवाब आप बता सकते हो, आरके मर्टन ने सामाजिक प्रकार को किस रूप में व्याख्यित किया है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, एक बार जरा जवाब बताइए। आवाज वगैरह क्लियर है, एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिएगा आप सभी लोग। हेलो, हो कि नहीं हो? जी सर, जी सर, क्लियर है सर। चलो बताइए जरा, आर के मर्टन के द्वारा मैनिफेस्ट का मतलब होता है सुस्पष्ट प्रकार के बारे में, और लेटेंट के मतलब होता है अव्यक्त प्रकार के बारे में। और बिल्कुल यहाँ पे देखो फैक्ट वाला सवाल है, मैंने आपको नोट करवाया है और शॉर्ट नोट्स में भी है, और आपको वहाँ पे पीडीएफ में भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है ये पॉइंट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखिए ए और डी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आर के मर्टन के अंतर्गत जो बी शर्मक और बिंब विधान तुलनात्मक प्रकार, ये बेसिकली कंफ्यूजन के लिए उसमें डाल दिया गया, बाकी इसका तो दो ही है, सुस्पष्ट और अव्यक्त। एक नाम मैनिफेस्ट याद रखिएगा, एक लेटेंट नाम याद रखिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकारवाद के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था। अगला सवाल आपके सामने इस समय प्रस्तुत हो रहा है, निम्नलिखित में से किसने भावनात्मक रूप से संबद्ध प्रकृति वाले बंधनों द्वारा जुड़े हुए लोगों के एक लघु संघ हेतु प्राथमिक समूह शब्द का प्रयुक्त होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, या आप बता सकते हैं? ओके, यदि आप इस सवाल का जवाब सीएच कूले का नाम, चार्ल्स हाल्टन कूले का नाम लगा रहे हैं तो बेटर है, कि क्योंकि इसने भावनात्मक रूप से संबंध प्रकृति वाले बंधनों द्वारा जुड़े हुए लोगों का एक लघु संघ है और प्राथमिक समूह होता है। और मैंने आपको पहले बता रखा है एक प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में, और प्राथमिक समूह के डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और इधर प्राथमिक समूह ऑलरेडी लिख दिया, तो नाम तो सीएच कूले का ही आएगा, चार्ल्स हाल्टन कूले का ही नाम आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था, वह कॉन्सेप्ट था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर सन 1902 में, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात किया है, मैंने आपको पहले ही बता रखा सन 1909 में। द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात इन्होंने किया है, द थ्योरी ऑफ, है ना, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1894 में जिक्र किया है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो सी एच कूले के द्वारा बेसिकली मेंशन किया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। एप्टोनिस का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है 1987 के दौरान में एक गेमिंग सॉफ्ट होता है जो कम्युनिटी पर बेस्ड होता है,
और एक गेसल सॉफ्ट का जो सोसाइटी यानी कि अर्बन एरिया को डेवलप अर्बन एरिया को लेकर जिक्र करता है, तो वो गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट यानी समुदाय और संघ की जो भूमिका होती है वो एप टोनिस के द्वारा होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार स्पष्टीकरण करिए प्लीज। यस सर। आगे बात करते हैं। एक नाम यहाँ पे एंटोनियो गिडिंस का नाम दिख रहा होगा। एंटोनियो गिडिंस महोदय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रनवे वर्ल्ड करके एक किताब इन्होंने मेंशन किया था सन 1999 में, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो द कॉन्सिक्वेंस ऑन मॉडर्निटी के बारे में बहुत फेमस रहा है गिडिंस का, द कॉन्सिक्वेंस ऑन मॉडर्निटी सन 1990 की किताब थी एंटोनियो गिडिंस का। एच वाई सिद्दीकी बड़े फेमस पर्सन है ग्रुप वर्क में थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बारे में, सन 2008 में इन्होंने जिक्र किया था। सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशन की बात इन्होंने 2015 में बात किया था। सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट के बारे में जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर जिक्र किया था 2004 में। तो ये तीन इनका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन की बात इन्होंने सन 1984 में 1984 में किया था, और ये भी जिक्र यहाँ पर मिल जाता है। और इन्होंने कुछ सामुदायिक संगठन के प्रारूपों के बारे में भी एच वाई सिद्दीकी महोदय ने बताया है, जैसा कि आप सबको पता भी होगा व्यवस्था परिवर्तन का प्रतिवेश का, और एक क्या था प्रतिवेश व्यवस्था परिवर्तन मॉडल, एक था प्रतिवेश सामुदायिक प्रारूप और एक था व्यवस्था सामुदायिक प्रारूप व्यवस्था परिवर्तन का, और एक क्या था सामुदायिक क्रिया का प्रतिरूप। ठीक है, बिल्कुल सॉरी सॉरी संरचनात्मकता संरचनात्मकता का पड़ोस मॉडल डिजाइनिंग का, किसका मॉडल पड़ोस मॉडल नेबरहुड, अरे वो प्रतिवेश को नेबरहुड कहते हैं, प्रतिवेश को प्रतिवेश नहीं सर पड़ोस, अरे प्रतिवेश को ही नेबरहुड पड़ोस कहा गया है, उसी को उसी को उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है भाई, नोट कर लीजिए उसको, मैंने बताया भी तो था आप लोगों को, तीन ही है संरचनात्मकता के रूप में आ जाएगा, संरचना के परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन और एक आपका बन जाता है कौन सा परिवर्तन प्रतिवेश परिवर्तन, प्रतिवेश ही पड़ोस परिवर्तन। बताइए किसका आदर्श वाक्य है कि भिक्षा के बिना सहायता, भिक्षा के बिना सहायता था, ये किसका आदर्श वाक्य है, किस विद्वान ने COSUK की स्थापना, ऑक्टिविया हिल का नाम आता है सही जवाब यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि भिक्षा के बिना सहायता जो शब्द बेसिकली इन्होंने डिबेट की बात या हम बात करते हैं यहाँ पे द सोशल हाउसिंग डिबेट, तो उस क्रिया में सन 1998 का प्रोसेस जो है ऑक्टिविया हिल का नाम हमें देखने को मिलता है। वही मैरी रिचमंड की तीन कॉन्सेप्ट सन 1917 में सोशल डायग्नोसिस, सन 1922 में व्हाट इज सोशल केशवर्क, और सन 1899 में बेसिकली बहुत ही फेमस फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर करके, ये मैरी रिचमंड सोशल केशवर्क और सोशल एक्शन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। वाल्टर इंडियास फ्रेडलैंडर महोदय समाजकार की बेसिकली इन्होंने जो है प्रणालियां बताई जिसमें से एक कहा कि प्राथमिक प्रणाली होती है और एक इन्होंने बोला कि द्वितीयक प्रणाली होती है। प्राथमिक प्रणाली में केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी वर्क आता है, सेकेंडरी प्रणाली में सोशल एक्शन आता है, सोशल रिसर्च आता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की एक किताब, जो किताब प्रकाशित हुई थी अक्टूबर सन 1974 में, और ये वाल्टर इंडियास फ्रीडलैंडर महोदय का नाम आ जाता है। रॉबर्ट बेस्टिक के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, जिसको फेलिक्स पी बेस्टिक कहा जाता है। बेसिकली क्लाइंट सेल्फ डिटरमिनेशन इन सोशल वर्क में इन्होंने जिक्र किया था सन 1978 में। द केश वर्क रिलेशनशिप सन 1957 में जिक्र किया गया था 1957 में, और उसी समय सोशल केश वर्क में सात सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया था फेलिक्स पी बेस्टिक महोदय ने। परंतु सवाल यह था आदर्श वाक्य भिक्षा के बिना सहायता था या वाक्य किसने दिया, तो ऑक्टेविया हिल का नाम आता है, ऑप्शन नंबर पहला यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ऐसा समूह जिससे लोग अपने जुड़ाव का अनुभव करते हैं जबकि वे वास्तविक रूप से उनमें उसके सदस्य भी नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने कहा कि एक ऐसा समूह जिसमें लोग अपने जुड़ाव का अनुभव करते हैं जबकि वास्तविक रूप से उसके सदस्य भी नहीं होते हैं, और इस प्रकार का समूह बताइए किस रूप में जाना जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन नंबर यहाँ पे रिलेट कराया है थर्ड को संदर्भ समूह को, तो करेक्ट जवाब आप लोग दे रहे हैं और यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही करेक्ट होगा। देखिए संदर्भ समूह के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक लेख हर्बर्ट हाइमन का आता है 1942 में, है कि नहीं, संदर्भ समूह के बारे में है ना। तो उन्होंने एक लेख लिखा था संदर्भ समूह में, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस करके 1942 में। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ अंतः समूह के बारे में, आप सबको मालूम होगा समनर का नाम आता है अंतः समूह, बाह्य समूह यानी फोकवेज के बारे में, है कि नहीं, ये बात आप सभी को ध्यान रखना होगा अंतः समूह के बारे में। क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। बोलिए। अंतः समूह बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो बेसिकली नृ या अगर हम बात करते हैं आप लोगों से नृ जातीयता केंद्रता पर बेसिकली बेस्ड होता है। मैंने आज ही आप लोगों को जो जून 2023 का पेपर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था नृ जातीयता के बेसिकली बेस जो है केंद्रित है वो अंतः समूह पर आधारित है जो समनर के द्वारा दिया गया, वहां पर भी ये सवाल आया हुआ था, इसी टाइप का सवाल था। परंतु यहां मैं आपसे कह रहा हूँ जुड़ाव का अनुभव और वास्तविकता से अलग होने की बात कर रहा है, तो वो संदर्भ समूह बताता है एक प्रकार से, ठीक है। और समनर ने सन 1906 में एक किताब लिखा था, वो भी मैंने बताया था आप लोगों को, फोकवेज करके किताब थी वो, कौन सी किताब थी, फोकवेज करके। उसके बाद आता है एक औपचारिक और एक अनौपचारिक समूह होता है, जैसा कि आप सबको पता भी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह आता है, जिसमें आप जानते भी है सीएच कूले के महोदय के बारे में, है ना। आर के मार्टन ने सदस्यता और गैर सदस्यता के बारे में बताया था, और क्षेत्रीय और हितों के प्रति चेतना, अनिश्चित संगठन और निश्चित संगठन, इस संबंध में नाम आ जाता है मैकाइवर का नाम, ठीक है, नाम आ जाता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक जो है लेस्टर वार्ड का नाम आ जाता है, और समुदाय और समिति या संघ के रूप में एफ्टोनिच का नाम आ जाता है। हालांकि इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। औपचारिक अनौपचारिक समूह किसने दिया है? औपचारिक अनौपचारिक समूह किसने दिया भाई, अब मैंने पढ़ाया तो है आप लोग, बताया था अभी, औपचारिक और अनौपचारिक समूह किसने किसने दिया है सर, ये पूछ रही हूँ। औपचारिक अनौपचारिक समूह आपका डेविड मिलर का नाम आया, डेविड मिलर, मिलर जिसने आपको ये भी बताया है उदग्र हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना, समूह की वर्गीकरण की प्रक्रिया में नाम आपको ये भी याद रखना होगा आप सभी लोगों को, जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का नाम आता है तो किस पर्सन का नाम आता है, प्लीज एक बार बताइए। डेविड मिलर का नाम आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, डेविड मिलर का नाम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डगलस का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डगलस के सामूहिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण बुलाया, यहाँ एक बार आप सभी लोग इस सवाल का, चौथा सर, ओके, बताइए एक बार आप सभी लोग, ये बेसिकली जो यहाँ पे मैंने शब्द मेंशन किया है डगलस के सामूहिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण को लेकर, है ना, उसका बेसिकली एक प्रकार का ये प्रोसेस है जिसके द्वारा डगलस महोदय के द्वारा, है ना। तो यहाँ जो शब्द रिलेट हुआ है वो एक शब्द रिलेट होता है बेसिक, मतलब हम लोग बोलते हैं इसको बेसिक, फिर उसके बाद संरचनात्मकता को हम लोग जो है स्ट्रक्चर बोलते हैं, लोकोमोटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव, और मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, चर्वक मोलर। तो ये एक प्रकार का अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये चार ऐसे शब्द हैं जो डगलस ने एक ग्रुप प्रोसेस के बारे में जिक्र किया था, डगलस ने एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो इन चारों के बारे में जिक्र किया है,
ठीक है, ये देखो केरला, एक केरला पीसीएस में आपका पेपर हुआ था सोशल वर्क वाले का, उसमें भी ये सवाल एग्जाम में आया हुआ था केरला में, ठीक है। और सोशल वर्क में तो आप देख ही रहे हैं यूजीसी नेट का बड़ा ही फेमस टॉपिक है, ये चैप्टर है, उसमें भी ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? जैसे अगर मैं बात करूं बेसिक का मतलब, पूरी बेसिक अवधारणा के बारे में बात करता है, संरचना में स्ट्रक्चर बनाने की बात करता है, लोकोमोटिव के अंतर्गत जो प्रोसेस होता है उसमें क्या भूमिका बनती है। लोकोमोटिव बेसिकली किसी क्रिया को एक मजबूती देने की बात करता है ना, एक प्रेरक शक्ति देने की बात करता है, वो लोकोमोटिव कहलाता है ना, लोकोमोटिव कहलाता है। और किसी क्रिया को करने के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं मोरल शब्द। तो यहाँ तो सही जवाब केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही सत्य माना जाएगा क्लासिफिकेशन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का एक उपागम नहीं है, जैसे कि विशिष्ट है, सामान्य है, प्रक्रिया है, लेकिन आंतरिक संसाधन आंतरिक संसाधन की बात अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका नहीं है। देखिए मुर्रे जी रॉस ने बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो आप सबको पहले पता है कि सन 1968 में इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था, अवस्थित विकास मॉडल, सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक क्रिया। 2001 में इसका नाम परिवर्तन किया, कहा कि स्थानीय विकास, सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक कार्रवाई। फिर वही सिद्दीकी महोदय ने अभी आप लोगों ने बताया भी है 1997 के दौर में, प्रतिवेश विकास का मॉडल जिसे पड़ोसी मॉडल का भी नाम रिलेट कराता है, व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल, एक संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल हमें देखने को मिल जाता है एच वाई सिद्दीकी के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो मैंने रॉथमैन का बताया, ये मैंने सिद्दीकी का बताया, लेकिन ये जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मुर्रे जी रॉस का दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मुर्रे जी रॉस का दिया है। तो ये रॉस का है, ये रॉथमैन का है, और ये जो मैंने अभी आपको 57 बताया एच वाई सिद्दीकी का बताया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़िए, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन नामक पुस्तक में प्रस्तुत किए गए सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, पॉल फेरे, मार्टिन लूथर। महात्मा गांधी सर। सही जवाब नंबर आपका ये हो जाएगा करेक्ट जवाब, 1990 वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया भी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ऑप्शन में देखिए यहाँ महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह को लेकर, ठीक है। तो उन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग, ठीक है। जैसे चंपारण आंदोलन के बारे में, खेड़ा आंदोलन के बारे में, अहमदिया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में, ठीक है। इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, दो तीन बातें हैं आप ध्यान रखिएगा। अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यता के उन्मूलन पर बल दिया है, एक पॉइंट ये आप ध्यान रखना आप लोगों को। एंड अखिल दलित वर्ग सन 1924 में अगर स्थापना की बात होगी तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नाम हमें देखने को मिलेगा, और 1924 में। और दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी एक सभा है जिसकी स्थापना अभी बेसिकली 1924 का ही नाम आता है। अनुसूचित जाति परिसंघ एक है जो 1942 का आता है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। पॉल फ्रेरे में एक नाम मैंने आपको ट्रिक बना रखा है, बताया भी था आप लोगों को, और वो ट्रिक क्या होती है? पेडागोजी। तो याद रखिएगा पेडागोजी ऑफ फ्रीडम सन 1966 का दौर आता है, ये वर्ष आता है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड करके मैंने आपको बताया था 1968 का। और चैतन्यकरण का सिद्धांत आप लोगों से पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया भी था पॉल फ्रेरे, इसी को कहीं कहीं शुद्धिमतीकरण कहा जाता है, शुद्धिमतीकरण का नाम भी दिया जाता है, तो वो भी प्रक्रिया बेसिकली पॉल फ्रेरे का ही आता है। उसके बाद अभी भी मैंने आपको बताया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, आई हैव अ ड्रीम 1963 में बताया था आप लोगों को 1963 में, और वेयर डू यू गो, वेयर डू वी गो, मैंने फ्रॉम हियर की बात अभी किया था 1967 में, स्ट्रेंथ टू लव की बात हम लोगों ने आज पढ़ा था 1963 में, आज की क्लास में ही हम लोगों ने ये जिक्र किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामुदायिक कार्य में संघर्ष संबंधी दृष्टिकोण निकट नहीं है। तो ये देखिए एक प्रकार का स्टेटमेंट है,
सामुदायिक कार्य के जो संघर्ष संबंधी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो किस विद्वान का नाम यहाँ पे उचित होगा। एम जी रॉस मुर्रे जी रॉस, ठीक, सही जवाब एम जी रॉस। यहाँ आपने जो जवाब मुझे दिया है एम जी रॉस के बारे में, आपने करेक्ट जवाब दिया है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटी वर्क पर अगर किसी विद्वान ने जिक्र किया है तो ये मुर्रे जी रॉस ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्रश्न क्या है सामुदायिक, यहाँ पे प्रश्न, हाँ यहाँ पे प्रश्न है नहीं को लेकर। तो कह रहा है कि संघर्ष संबंधित दृष्टिकोण के निकट नहीं है, नहीं नाम यही है मुर्रे जी रॉस का ही, निकट नहीं है। तो संघर्ष संबंधित दृष्टिकोण के निकट नहीं है तो मुर्रे जी रॉस का ही नाम करेक्ट हो जाएगा। मुर्रे जी रॉस ने बेसिकली यहाँ पे रिलीजन्स बिलीफ ऑफ यूथ के कॉन्सेप्ट को लेकर, हेरिटेज के कॉन्सेप्ट को लेकर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे थ्योरी प्रिंसिपल प्रैक्टिस को लेकर जिक्र करने वाले विद्वान है सन 1955 में। ठीक है, तो सामुदायिक कार्य के संघर्ष संबंधित दृष्टिकोण बेसिकली क्या, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटी वर्क, ठीक है, डज नॉट क्लोज, जो वो रिलेट करेगा आपका ऑप्शन सेकंड मुर्रे जी रॉस। पॉले फ्रेरे, मैंने अभी ऊपर आपको बताया इसके बारे में उदाहरण, सॉल एलेंस्की के बारे में आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, रूल ऑफ रेडिकल्स 1971, एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नाम देखा था, निष्यंदन शब्द देखा था, क्रमवाद शब्द देखा था, और एक अवधारणा और थी, एक शब्द और था, क्या उस शब्द का क्या नाम था, द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं की अवधारणाएं थी, वो अवधारणाओं के बारे में सॉल एलेंस्की का नाम हम लोगों ने देखा था। बी मुल्ला जी की बात करते हैं, बी मुल्ला जी एक स्ट्रक्चर सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चरल सोशल वर्क के बारे में, चैलेंजिंग अ क्रिटिकल सोशल वर्क अप्रोच पी मुल्ला महोदय ने दिया है और ये 2010 में दिया था। ठीक है, चैलेंजिंग अ क्रिटिकल सोशल वर्क अप्रोच के बारे में अगर किसी विद्वान ने बात किया तो पी मुल्ला जी का नाम आता है। ठीक है, यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, संघर्ष संबंधित दृष्टिकोण के निकट नहीं है। ठीक है, ये है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता निर्माण, ठीक है बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट कर रहा है आपको, कौन सा शब्द कंट्रीब्यूट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, पॉलिटिकल मतलब इनमें से विश्वसनीयता निर्माण के सिद्धांत में योगदान नहीं देता। विश्वसनीयता निर्माण में विपक्ष के प्रति सद्भाव का भाव हो तो निर्माण में योगदान दे सकता है, बिल्कुल बात सही है, विश्वसनीयता निर्माण के सिद्धांत में योगदान नहीं देता है, तो विपक्ष के प्रति सद्भाव हो सकता है, उदाहरण प्रस्तुत करोगे तो ये तो हो ही जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता महसूस है की समस्याओं का चयन करना, बिल्कुल फीलिंग हो गई, राजनीतिक समर्थन नहीं, ये नेगेटिव शब्द है, राजनीतिक समर्थन जो शब्द आता है ये नेगेटिव शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट, इस सवाल को बताइए, प्रभाव मंडल जिसको हेलो इफेक्ट बोलते हो, बहुमत पैमाने वाले दस्तावेज में उत्तरदाताओं का प्रत्युत्तरों का विभेदन किए बिना समान रेटिंग के चयन की प्रवृत्ति डैश कहलाती है, और उस कंडीशन में वह प्रभाव मंडल या प्रभाव जहां ब्रांड की ताकत और वफादारी के संबंध में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जहां ब्रांड इक्वालिटी का योगदान देता है, जहां उत्तरदाताओं का प्रत्युत्तरों का विभेदन किए बिना समान रेटिंग का चयन हो रहा है, समान तरीके से क्वालिटी की बात, वो क्या कहलाता है, हेलो इफेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है वो, हेलो इफेक्ट बोलिए तो सही। हेलो इफेक्ट, एक शब्द आता है जनरलाइजेशन, आप सबको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण, है ना,
क्या बोलते हैं इसको, सामान्यीकरण बोलते हैं। देखिए अगर मैं जनरलाइजेशन की बात करता हूँ, केवल कुछ तथ्यों का और उदाहरणों पर आधारित सामान्य वक्तव्य निष्कर्ष, सामान्य वक्तव्य देने का जो कार्य होता है वो जनरलाइजेशन का पार्ट होता है। तो सामान्यीकरण करना किसी का जनरलाइजेशन कराने की क्रिया में रिलेट होता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, नेशंस हो गया, थ्योरीज हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, जनरल कोई भी चीजें रिलेट होती है वो जनरलाइजेशन के लिए यूज में आ जाती है सामान्यीकरण के रूप में। तो यहाँ पे उत्तरदाताओं का प्रयत्न में विभेद किए बिना समान रेटिंग का चयन नहीं होता है, ठीक है, चयन नहीं होता है। तो उस क्रिया में आपको ये ध्यान रखना होगा। आगे एक आता है जो है समांगता। समांगता का मतलब होता है होमोजेनिटी के बारे में। होमोजेनिटी क्या शब्द होता है ये भी बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो बेसिकली दर्शाती है एक प्रकार से समरूपता, समान प्रकार के होने या एक समान संरचना या संरचना होने की गुणवत्ता की जो स्थिति होती है, जहां सजायता होने की गुणवत्ता की अवस्था होती है उसे समांगता कहा जाता है या समरूपता बोला जाता है। और प्रतिकृति एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ रिप्लिकेशन होता है, जिसे कॉपी करना, रिप्रोडक्शन है ना, बेसिकली ये एक प्रकार के डायरेक्शन और प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग चीजें होती हैं। आप नाम सुना होगा आप लोगों ने डुप्लीकेट शब्द, जिसे कि आपने सुना होगा ये डुप्लीकेट है। तो जो डुप्लीकेट की बात होती है उस क्रिया में ये शब्द रिलेट होता है प्रतिकृति, किसी के रूप में प्रस्तुत को दर्शाना डुप्लीकेट। लेकिन उत्तरदाताओं का प्रति उत्तर विभेद किए बिना समान रेटिंग दे दे रहे हो तो वो हेलो इफेक्ट है। डैश आंकड़ा एकत्रीकरण हेतु एक गुणात्मक विधि है जो सतत प्रकार के संबंध विकसित करने वाले लोगों को सम्मिलित करता है जब वे अपने सामान्य क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सहभागी। अच्छा यस सर, सहभागी। ठीक है, जो सही ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है वो सहभागी शब्द आ रहा है ना। हेलो, आवाज जा रही मेरी? हाँ जी सर। यस सर। ओके, तो इस जगह अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब जो होगा, इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका सहभागी प्रेक्षण होगा। सहभागी प्रेक्षण आंकड़ा जो होता है एकत्रीकरण करने हेतु एक गुणात्मक विधि है जो सतत प्रकार, जो मतलब सतत प्रकार के संबंध विकसित करने वाले लोगों के सम्मिलित करता है जब वे अपने सामान्य क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। इस कंडीशन में बेसिकली ये शब्द जो है रिलेट होता है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिए। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ एक और अगर मैं बात करता हूँ, जैसे साक्षात्कार बनाना, यानी अगर मैं सिंपल बात करूं आप लोगों से, तो जो रिलेट होता है वो शब्द आता है इंटरव्यू। क्या होता है वो? इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा साक्षात्कार बनाना करना। साक्षात्कार परस्पर एक मौलिक वार्तालाप की पद्धति है जिसके बातचीत में नए विचार और चिंतन पैदा होते हैं, वो क्रिया बेसिकली इंटरव्यू कहलाती है कि नहीं? उसे साक्षात्कार कहा जाता है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो एक आता केंद्रित समूह चर्चा होता है। एक केंद्रित समूह चर्चा किसी विशेष विषय को व्यक्त करता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक केंद्रीय समूह चर्चा होता है। और एक शब्द आपके सामने आता है साक्षात्कार अनुसूची, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं अवलोकन की अनुसूची। बेसिकली उनमें आंखों का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है और अध्ययनकर्ता स्वयं की घटना स्थल पर उपस्थित रहता है, तो वह साक्षात्कार अनुसूची का रूप दर्शाता है। जैसे इसमें
आंखों का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है और अनुसंधान करता या अध्ययन करता स्वयं की घटना स्थल पर उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार की अनुसूची बोलते हैं। और एक आता है सहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण बहुत आसान होता है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसका मतलब होता है कि वह अपने अध्ययन के दौरान अपने निजी ये अपने सामाजिक परिवेश के मूल्यों को सामने ना लाए, तो उस कंडीशन में। तो यहाँ सवाल था गुणात्मक विधि है सतत प्रकार के संबंध विकसित करने वाले लोगों के सम्मिलित करता है जब वे अपने सामान्य क्रियाकलाप में लगा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सहभागी प्रेक्षण के माध्यम से अध्ययन के दौरान शोधकर्ता से यह आशा की जाती है कि अपना अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होकर करेगा, वो उस क्रिया में सहभागी प्रेक्षण होता है। और सही बेसिकली जवाब इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो थर्ड। किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। देखिए मैं आप लोग पढ़ा चुका हूँ सर, FCRA, हम लोगों ने अभी हाल ही में इस सवाल के बारे में पढ़ा था। यस या नो बताइए। यस सर। यहाँ सही जवाब, एक किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि विदेशी पैसे चाहिए ना भाई, पैसे चाहने के लिए। शायद इसमें से कोई बच्चे ये भी पूछा था कि उन्हीं से रजिस्टर्ड होगा, इन्होंने बोला भी था यस। तो यहाँ पे सही जवाब FCRA 2010। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, ये देखिए कुछ ऑप्शन में जैसे आयकर अधिनियम वगैरह है ना, जानते हैं आप लोग आयकर अधिनियम? यस सर, टैक्स आयकर अधिनियम 1961। देखिए बेसिकली भारत का आयकर अधिनियम के अंतर्गत त्वरित मार्गदर्शिका भारत में आयकर जो दर्शाया गया एक प्रकार का कर है जो किसी की आय या मुनाफे के आधार पर सरकार को भुगतान करता है। सरकार के द्वारा एकत्र किए गए कर का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं या उसके स्ट्रक्चर विकास या रक्षा के अंतर्गत या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए सब्सिडी के लिए जो चीजें लागू होने में वो अपनी एक भूमिका निभाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, है ना। तो ये बेसिकली पार्ट होता है आयकर वगैरह टैक्स वगैरह के संबंध में होता है। आसान है, आप आसानी से उसकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक और इसके अंतर्गत पॉइंट आता है जो बेसिकली फेमा, फेमा का नाम सुना है आप लोगों ने? फेमा, फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 का है। आपको मैं बता दूं कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम में ये कहा गया कि भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित भारत के बाहर सभी शाखा या कार्यालय या एजेंसी पर प्रयोजन के रूप में या प्रयोग के रूप में कार्य होता है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और विदेशी मुद्रा की व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना ये अधिनियम रिलेट करता है। तो इस कंडीशन में ये भूमिका बनती है। एक शब्द और हमारे सामने आता है और वो शब्द रिलेट है वित्त विभाग। जैसा कि आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं वित्त विभाग क्या होता है, एक कराधान, एक वित्तीय कानून, या आप ये कह लीजिए कि वित्तीय संस्थान या पूंजी बाजार या केंद्र या राज्य के वित्त और केंद्रीय बजट से जो संबंधित होता है वो वित्त विभाग की भूमिका निभाता है। इस सवाल का सही जवाब जो है, कहा गया कि विदेशी स्रोतों से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए उसे किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वह आप कह सकते हो कि FCRA 2010। मूल रूप से ये आया था 1976 में, बाद में संशोधन का पार्ट बना। अगला सवाल आपके सामने, डैश का लक्ष्य प्रतिभागी विषय जो है टॉपिक के बारे में कैसा अनुभव करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालने एवं समूह की सर्वसम्मति प्राप्त करने का ध्यान किए बिना इसके संदर्भ में प्रतिपेक्षों की सीमा अपनी रेंज का पता लगाता है
और वो पॉइंट कौन सा होगा, सामुदायिक तंत्र होगा, सामुदायिक सर्वेक्षण या स्वाभाविक प्रेक्षण या केंद्रित समूह। आपके सामने ये शब्द दिए गए हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे केंद्रित समूह के बारे में, तो सवाल कहता है केंद्रित समूह ये कि लक्ष्य प्रतिभागी विषय टॉपिक के बारे में कैसा अनुभव करते हैं, इसका निष्कर्ष निकालने, समूह की सर्वसम्मति प्राप्त करने का ध्यान किए बिना इसके संदर्भ में प्रतिक्षेपों का सीमा या रेंज का पता लगाना केंद्रित समूह। सामान्यतः ना इस तरह का प्रेक्षण में शिक्षार्थियों को यह पता नहीं होता है कि उसके व्यवहारों का निरीक्षण किसी प्रेक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो इस संबंध में यह क्वेश्चन जो है सही जाएगा। हाँ सर मैं आपको फोन कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम में, ठीक है ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फोर। अब सामुदायिक फ्रेम बात आती है, एक समुदाय के जीवन या सॉरी एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों और दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता सामुदायिक तंत्र कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फॉर्म, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सामुदायिक सर्वेक्षण के बारे में, सामुदायिक सर्वेक्षण बेसिकली क्या है, ये एक सामाजिक सर्वेक्षण का ही पार्ट है, एक उसी की प्रक्रिया है। तो जिसके द्वारा ना एक समुदाय की बनावट हो गई या उसकी क्रियाओं का सामाजिक पक्ष के संबंध में संख्यात्मक जहां तथ्य जो 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 संख्यात्मक तथ्य होगा उन तथ्यों को संकलित किया जाता है, जिससे कि जो छिपा हुआ तथ्य होता है उन तथ्यों को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका सर्वेक्षण ही होता है। मतलब सर्वे है ना, सर्वे होता है कि नहीं। मान लीजिए आपको पड़ोसी के बारे में आपको पता ही नहीं है कि उसके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप कहिए भैया हम जनसंख्या वाले हैं, जनसंख्या विभाग से आए हैं, हम आपको पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, बताइए। तो सर्वे किया आपने, वहां से पूरा घर के बारे में जानकारी ले लिया, कितने सदस्य हैं, कौन सी उम्र है, कौन सी एज है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, सर्वे है ना। तो छिपी हुई तथ्यों को निकालने में एक मदद करता है आपका कौन, तो वो होता है सर्वे। एक होता है स्वाभाविक प्रेक्षण, हालांकि स्वाभाविक वाला ही एक प्रकार का अगर मैं बात करता हूं तो निरीक्षण का ही पार्ट होता है स्वाभाविक परीक्षण, है ना। स्वाभाविक परीक्षण जो होता है वो एक निरीक्षण का ही पार्ट होता है, किसी चीज की व्यवहारों का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, स्वाभाविक परीक्षण जो है उसी प्रक्रिया को रिलेट करता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किसी एक संगठन के पंजीकरण हेतु न्यूनतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है, ए दो पांच सात। यहाँ पे आपने जो जवाब मुझे दिया है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है और करेक्ट जवाब दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी था आप लोगों, पंजीकरण नवीनीकरण निरस्त करने के परिपेक्ष में ट्रस्ट जो इस सोसाइटी एक्ट जो है 1860 का है, 1860 का है, धारा 12D के फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था इसमें, ठीक है। और इसमें कुल टोटल 7 सदस्य होने चाहिए। एक ट्रस्ट होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी, ट्रस्ट 1882 का आता है और इसमें बेसिकली 2 सदस्य होते हैं ट्रस्ट में, है ना। और आपको एक अपने मैंने पढ़ाया कंपनी एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट 1956 के तहत में जो धारा 8 आती है, उस धारा 8 के तहत एनजीओ का पंजीकरण होता है, एनजीओ का पंजीकरण होता है। जैसे आपने मैंने पढ़ाया है आपको केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत की गई थी, 1969 में किया गया था। धारा कौन सी थी वो, धारा 25 थी आई थिंक, धारा कौन सी थी वो, 25 थी, 8 नहीं थी, 25 धारा थी, याद है किसी को? सिराज नहीं याद है, धारा 25 थे, याद है सर, धारा 25, ठीक है आगे बढ़िए। पोस्ट कार्ब, देखो मैंने अच्छा ये पढ़ाया नहीं है अभी, पोस्ट कार्ब आएगा आपका, लूथर कॉलेज, हाँ लेकिन लूथर कॉलेज सर। पोस्टकार्ब की बात करते हैं, साथ में किसका नाम संबद्ध है, जी एम जी रॉस, ग्रेस कोयले, लूथर गुलिक, वाल्टर एंड्रास, फ्रेडलैंडर महोदय। सही जवाब आपने अगर यहाँ पे दिया है मुझे, अगर आपने सही जवाब मुझे दिया है आप लोगों ने ऑप्शन नंबर अगर थर्ड लूथर गुलिक, तो आपने सही जवाब दिया है। देखो मुरली जी रॉस के बारे में मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया था, विशेष हो गया, समान हो गया, प्रक्रिया का
जो है उपागम है और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के उपागम को रिलेट कराते हैं। मुरजी रॉस महोदय, हालांकि अभी भी मैंने आपको बताया भी कि सामुदायिक संगठन के निकट भी प्रक्रियाओं में ये जो है भूमिका अपने नहीं निभाते हैं। इस संबंध में भी मुरजी रॉस का नाम, एमजी रॉस का नाम अभी आप पीछे क्वेश्चन में लगाए हैं, है ना। एमजी रॉस के अंतर्गत कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस थ्योरी करके एक किताब इन्होंने 1955 में लिखा था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है। ग्रेस कोयले महोदय के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सोशल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप के बारे में 1930 में बताया था, या स्टडी इन ग्रुप बिहेवियर के बारे में 1937 में बताया था, ग्रुप वर्क विथ अमेरिकन यूथ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ 1948 में, बट ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। और लूथर गुलिक के बारे में आपको सामने ये प्रश्न ही रखा गया, पोस्ट कार्ब के बारे में, है ना, POSDCORB, बेसिकली पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, और बी से क्या लास्ट में क्या था, बी है ना, बी से बजटिंग, बी से बजटिंग। और उसके बाद भी अगर मैं बात करता हूँ एक शब्द आता है ई, जिसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन, और उसके बाद आता है एफ, एक आता है फीडबैक, फीडबैक। तो इस क्रिया में आपका नाम आता है। वाल्टर इंटरस फ्रीडलैंडर महोदय के बारे में अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है, ठीक है। आगे निम्नलिखित संगठनों में से किसे अब जो है अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, मतलब एक प्रकार से आपके सामने यह सवाल है कि संगठनों में से बताइए कौन सी गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो इसमें कॉरपोरेशन आपका नहीं है, कृषक उत्पादक कंपनी भी नहीं आपका, यहाँ सही जवाब जो बनेगा, यहाँ देखो किसी संगठन में से किसी अलाभकारी संगठन, मतलब वही होता है एनजीओ ही होता है। और मैंने अभी आपको पीछे सवाल बताया है आपको कि कंपनी अधिनियम जो है 1956 के तहत, वहां पे मैंने मेंशन भी किया था धारा 8 के अधीन कंपनी में, तो संगठन में मान्यता प्राप्त की प्रक्रिया में धारा जो 8 है ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मैंने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की केवल बात की थी, जो धारा 25 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था, और वो भी 1969 में, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1953 में ही कर दी गई थी, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा अलग पैटर्न बन जाता है। बट यहाँ अगर कोई आपसे अलाभकारी या एनजीओ या गैर लाभकारी के बारे में पूछ रहा है मान्यता प्राप्ति के परिपेक्ष में, तो धारा आप 8 ही लगाएंगे, अदरवाइज धारा 25 जब भी आप लगाएंगे तो आप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में अवश्य सोचेंगे। उसके बाद एक देखिए सूक्ष्म साख समूह को लेकर, सूक्ष्म साख और सूक्ष्म अगर हम बात करते हैं वित्त और पारंपरिक वित्त में महत्वपूर्ण अंतर होता है बेसिकली, या एक ब्याज दरों में संशोधन का एक पुनः भुगतान पर बल देकर, ठीक है, लक्ष्य समूहों की साख के लिए औपचारिक क्षेत्र के रूप में ध्यान केंद्रित करने के रूप में ऋण विवरण को एक प्रकार से कवर करता है, ऋण विवरण जहां बेसिकली रिलेट करता है सूक्ष्म साख समूह को, है ना, ये शब्द। और इसी में एक नाम आता है नाबार्ड, ये जो सूक्ष्म साख समूह है यहाँ एक शब्द आता है नाबार्ड का, नाबार्ड आपको पता रहेगा तो आप आसानी से सूक्ष्म साख समूह को लगा सकते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, तो उस प्रक्रिया में ये चीजें सत्य मानी जाती है। और कृषक उत्पादक कंपनी जैसे कि किसी किसान उत्पादन संगठन एक ऐसी सामूहिक कंपनी है जिसमें कम से कम 11 किसान को जोड़ा जा सकता है, केंद्र सरकार ने 15 लाख अनुदान देने के संबंध में कृषक उत्पादन कंपनी के वाले क्रिया में रिलेट कराया है, परंतु किसी अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन धारा 8 के अधीन कंपनी, तो यह आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल आपके सामने फिर आया है, ये भी बताइए कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये जरा क्वेश्चन नंबर भी बताते चलिए भाई, 23 ना, कौन सा क्वेश्चन, 23 नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट 2020 और 21 में भारत की रैंक 191 181 181
181 देशों और क्षेत्रों में 132 यानी 132 मानव विकास रिपोर्ट 2019 की तुलना में मानव विकास सूचकांक एचडीआई के मान में डैश दर्ज किया गया था। बताइए यहाँ पे अल्प होगा या तीव्र या तीव्र वृद्धि, तीव्र ह्रास या अल्प ह्रास, या अल्प अल्प ह्रास डिप्रिसिएशन, अल्प ह्रास डिक्लाइन, समझ रहे हैं इस प्रश्न का मतलब क्या है क्या नहीं है, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं पहले बताइए प्लीज। अगर समझ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो पूछ ही बताऊंगा, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए ये जो आपके सामने सवाल हमारे सामने जो प्रस्तुत हुआ है मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत है, ये है ना, ये जो सवाल आप देख रहे हैं मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत है। ये कहा कि 2020 और 21 में ना एक रैंक आया भारत का जो बेसिकली 181 देशों में से कितना 132 कितना आया था 132 है ना। मानव विकास लगातार लगभग दो वर्षों तक गिरावट में आई थी, 90% देशों में 2020 या 21 में लगभग एचडीआई के मूल्यों में गिरावट भी दर्ज की गई थी। फिलहाल बात मैं यहां पे आपसे कर रहा हूं, फिर 2019 की बात आई तो कहा कि बताइए मानव विकास की तुलना में मानव विकास सूचकांक फिर कितना हुआ, यहां अल्प ह्रास हुआ था। अल्प ह्रास का मतलब थोड़ा सा नुकसान आप कह लीजिए ह्रास। अच्छा रीजन बता सकते हो क्या रीजन रहा होगा? कोविड-19। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोविड 19 महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को नुकसान पहुंचाने के अलावा अर्थव्यवस्थाओं को भी तबाह कर दिया था, लैंगिक असमानता को बढ़ा दिया। लैंगिक असमानता के लगभग वैश्विक वृद्धि में देखी भी गई थी, लैंगिक असमानता में 6.7% की वृद्धि भी हो गई थी। ठीक है, बांग्लादेश भूटान जैसे दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्ति में कम सुधार भी दर्ज किया गया। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं बेसिकली देखने को मिली थी, तो ये एक प्रकार का ह्रास का पार्ट बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहां आप लोग अल्प ह्रास के रूप में जो है नाम को अवश्य मेंशन करेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जाएगा 4। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया, तो नीति का संकेताक्षर बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी सर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आप सभी को पता है, ये 1 जनवरी 2015 को आया था, योजना आयोग के स्थान पर आया था। ये पहली बैठक कब हुई थी इसकी, तो आप कह सकते हो कि 8 फरवरी 2008 को किया गया था पहली बैठक इसकी। अध्यक्ष एक होता है, 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, 1 केंद्रीय परिषद होते हैं, बेसिकली 4 पदेन सदस्य होते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पे है नीति आयोग का, बताइए जरा एक बार। सर दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 25 कंप्लीट कर लीजिए, 25 हो गए सर। नहीं 23 हुए हैं, 25 आपके सामने है। बताइए जरा सामाजिक नीति को बहुत अवशिष्ट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? अवशिष्ट बोला जाता है इसको। सामाजिक नीति को रेशियो जो है रीसी हुएल्स कल्याणकारी मॉडल या अवशिष्ट कल्याणकारी मॉडल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा की दिए गए सामाजिक नीति के प्रारूप में से एक है? कुलकर्णी, टिटमस, डनहम या टीएच मार्शल? टिटमस। सही जवाब है, आर एम टिटमस का नाम आता है ना। अवशिष्ट सामाजिक कल्याण मॉडल टिटमस का है, आएगा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है,
चलिए आज के लिए बस इतना रखिए, अभी मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है ना। किससे का पेपर है सर? जी सर, हाँ सर, किस चीज का पेपर है ये? 14 मार्च 2023 का पेपर है सर। जो लिखा हुआ इसमें इसको सेव कर पढ़ाएंगे कल क्लास चलेगी, दोपहर में चलेगी ना क्लास सर? तो दोपहर में सर प्रादीप पियागु की यूनिट 5 स्टार्ट करना, शाम को ही स्टार्ट कर दिए दोपहर क्लास। यूनिट 5 शाम को चलेगी 7 to 8। जी जी हां वही कह रहा हूं, यूनिट 5 7 to 8 रहेगा जी सर। तो दोपहर वाली क्लास में तो मैं कल फोन कर लिया था ना, वो थ्योरेटिकल क्लास शाम को हो जाएगी। दोपहर वाली क्लास सर अभी बताया तो था मैं 24 तारीख तक 12 बजे क्लास चलेगी 24 तारीख तक, और उसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसका वीडियो का लिंक भी आपको दिया है मैंने, है ना, वीडियो का लिंक दिया है आपको। ठीक सर, नमस्ते, गुड नाइट। ठीक है, नमस्ते, गुड नाइट सभी लोगों से, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।